dear students in this module we are going to talk about the origin of sociology and by origin of sociology we mean to say that what was the difference between the traditional thinking versus the scientific thinking the scientific thinking that began at the beginning of 17th century through the process of enlightenment in the west and by enlightenment we mean to say that uh, सेवेंटीन सेंचुरी के अंदर यूरोप में एक ऐसा इनकलाब आया जिसके अंदर लोगों का वे ऑफ थिंकिंग जो है या थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज होना शुरू हुआ और जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल थिंकिंग प्रोसेस था वो साइंटिफिक थिंकिंग में कन्वर्ट होना शुरू हुआ इससे मुराद ये है कि लोगों ने जैसे आ, बहुत सी चीज़ों के हवाले से अपनी बेसिक एजम्पन्स जो हैं बहुत से ट्रडिशनल सोर्सेज से ड्रा कर रखी थी मसल रिलीजन से ड्रा कर रखे थे या अपनी ट्रेडिशन से ड्रा कर रखी थी या उनके वो आ, कुछ आ, उनके ऐसे बिलीव्स थे जिनके ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी को वो चला रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे प्रोसेस को चेंज करके अपनी अपनी थिंकिंग को जो है मोर एंड मोर साइंटिफिक बनाना शुरू किया किस तरह से बनाना शुरू किया क्योंकि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा था जिसमें कुछ ऐसी इनोवेशनस और इन्वेन्शंस हुई जिन्होंने इंसान को जो है एक ऐसे रास्ते की तरफ गाइड किया जिसमें उसको लगा कि शायद हम जिस तरह से सोचते हैं हमारे सोचने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए मोर सिस्टमेटिक होना चाहिए मोर साइंटिफिक होना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन द सेवनटीन सेंचुरी वाज अ कैटलिटिक इवेंट दैट पेव द वे टू द न्यू अप्रोच टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड एंड सैंटिक मैथड टिपिकली एम्फोसाइज द एम्पेरिकल एविडेंस एंड सस्टमेटिकब्ज़र्वेशन अब सस्टमेटिकब्ज़र्वेशन से क्या मुराद है कि एक चीज़ है जिसको हम आ, अपने अंदाज से देखते हैं बहुत सी चीज़ों से हम ऑब्ज़र्व करके तो कुछ अंदाजे लगाते हैं अपनी क्या सराई करते हैं और उसकी बुनियाद पर हम अपना जो पायल या स्टॉक ऑफ नॉलेज जो होता है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो अनसाइंटिफिक मेथड होता है साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक वे होता है ऑब्जर्वेशन का जिसमें हम कुछ हाईपाथस ड्रा करते हैं हमारी कुछ प्रोपोजिशन या एग्जम्पन्स होती हैं उन एग्जम्पन्स को हम फील्ड में टेस्ट करते हैं बड़े रेगुलर्स प्रोसेस के थ्रू एक टिप एक बड़ा रेगुलरसम्पलिंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर कुछ जर्नलाइजेशन ड्रा करते हैं लेकिन हम उसको ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर करते हैं सो दिस अप्रोच चैलेंज द ट्रेडिशनल बिलीफ एंड अथॉरिटी तो आई उससे असल में हुआ क्या कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम था सबसे कारी जरब जो है उसको लगी ख़ास तौर पर जो हमारे मज़बी अकायद थे यूरोप के अंदर आ, जो क्रिशानिटी से ड्रॉ किए गए बिलीफ्स थे उनको जो है वो सस्पिशन की नज़र से शक की निगाह से फिर देखा जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो है फिर Uh, मजहब एक मजहबी बेजारी पैदा हुई और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच जो है उसके हवाले से चीज़ों को देखा जाने लगा एंड देन इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फील्ड्स ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी तो जैसे नेचुरल साइंसिस के अंदर ये सारी तब्दीलियाँ आ रही थी वैसे वैसे जो है हमारे देखने का अंदाज़ लोगों को उनके रवैयों को औ, उन और एक दूसरे के साथ किस तरह से डील करना है ये सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता उसी से अफेक्ट होना शुरू हुई कि मस अगर हम अपने नेचुरल इन्वामेंट को एक ख़ास साइंटिफिक वे से अंडरस्टैंड करके तो उससे बेनिफिशियल या यूज़फुल नतीजे अखज कर सकते हैं तो वाई नाट सोशल प्रोसेस वाई नाट पीपल अराउंड अस तो इंसानी रवैयों को देखने का अंदाज भी फिर आहिस्ा से तब्दील होना शुरू हुआ और नए फील्ड्स जो हैं उसी वक्त इमर्ज होना शुरू हुए तो सेवनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड जो है ये फाउंडेशन रखी गई और सोशोलोजी का आगाज़ जो है उसी प्रोसेस के ज़रिए हुआ कि जिसमें हमने ये देखना शुरू किया या यूरोप ने ये देखना शुरू किया कि कैसे जो है हम लोगों को उनके रवैयों को जो है साइंटिफिक वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो सोशोलॉजी मच एज अ रेस्पॉन्स टू द सोशल चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न एरा ट्रडिशनल सोसाइटीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस थे डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे डिफरेंट ऐशूज़ थे उनको एक ख़ास तरह से जो है वो डील किया जाता था लेकिन जैसे जैसे रेवोल्यूशन आए नई नई इन्वेंशनस आई इनोवेशनस हुई वैसे वैसे नए नए चैलेंजेज़ जो हैं वो इंसानी माशरों के अंदर इमारच होना शुरू हुए तो सोशालोजी जो है असल में इस मॉडर्न इरा को एक ख़ास नुतः नज़र से देखने का नाम है तो इट् सॉट टू अप्लाई दाइंटिफिक मैथड टू द स्टडी ऑफ सोशल फिनिना तो सोशल फिन से मुराद जो है ये हमारे रवैये हैं हमारा एक दूसरे से डील करने का अंदाज़ है इंट्रैक्शनल प्रोसेस हैं इनको किस तरह से साइंटिफिकली अंडरस्टैंड किया जा सकता है एंड टिपिकली सोशोलॉजी एम्ड टू प्रोवाइड आ रैशनल एंड सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर सो यानी दूसरे लफ्जों में ये है कि साइंटिफिक मैथड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस हुआ और उसी फोकस की वजह से हम सोशोलॉजी को भी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी का नाम देते हैं या सोशल साइंस का नाम देते हैं अब ये एक थोड़ा कंटेस्टेबल इशू है कि क्या सोशोलॉजी वाकई ही एक साइंस कहला सकती है या नहीं कहला सकती है लेकिन बहरहाल इसकी बुनियादों के अंदर जो है साइंटिफिक मेथड मौजूद है साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक थिंकिंग प्रोसेस मौजूद है एंड इट चैलेंज द ट्रडिशनल वेज़ ऑफ थिंकिंग एंड ऑफ द न्यू इंसाइट्स इन टू द सोशल वर्ल्ड तो आज भी हम जब देखते हैं तो सोशोलॉजी या जितनी भी सोशल साइंसिस हैं इनका पर्टिकुलर फोकस जो है इस बात के ऊपर होता है कि हमारी ट्रडिशन के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम या फेथ का हिस्सा होती हैं या हमारी ओपिनियनेटेड प्रोसेस uh, के ज़रिए जो है वो स्टॉक ऑफ नॉलेज का हिस्सा बनी होती हैं उनको चैलेंज किया जाए और उसके हवाले से जो नॉलेज है उसकी क्रेडिबिलिटी को साइंटिफिकली इस्टेब्लिश किया जाए